सबसे पहले अपनी हाथों को अच्छी तरह से साबुन से धो लें। बैग या पेटियों पर कागज हटा दें और खाद को हाथ से दबा दबा कर समतल कर लें। केसिंग मिट्टी का 3 से 4 सेंटीमीटर मोटी परत समतल खाद के ऊपर बिछा दें। केसिंग के तुरंत बाद बैगों या पेटियों को रैक्स में रखकर केसिंग के ऊपर पानी का छिड़काव करें। पहले छिड़काव में 0.5% फार्मलिन का प्रयोग किया जाता है। केसिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद केसिंग में कवक जाल को फैलने दिया जाता है। इस दौरान कमरे का तापमान 22 से 23 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। केसिंग में कवक जाल फैलने के बाद कमरे का तापमान 14 से 18 डिग्री सेल्सियस कर दें। इसके लिए आप कोई कूलिंग सिस्टम लगा सकते हैं या अपनी सुविधा के मुताबिक ठंडी करने के कोई भी तरीके अपना सकते हैं। इस समय 85 से 90% नमी रखने के लिए फर्श को गीला रखें और दीवारों पर बोरियां टांग कर पानी का छिड़काव करें। मशरूम उत्पादन के लिए हवा का आदान प्रदान बेहतर रखें।